नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने ही YouTube चैनल खरमीर में। इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी में फ़िलहाल जो जुलाई सत्र के एडमिशन है वो चालू है। आज मैं आपको बताऊंगा इग्नू के अंदर एक लाइब्रेरी कोर्स होता है जिसे हम CLS कहते हैं, उस कोर्स के बारे में हम जानेंगे। तो यहाँ से आप क्लिक करेंगे, जैसे ये जो इग्नू समर्थ का पोर्टल है यहाँ से आप लॉगिन कर सकते हैं। यहाँ ये जो तीन लाइन है यहाँ पे क्लिक करेंगे, वो ये प्रोग्राम इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये सारी चीज़ें हैं आपके सामने अभी जो खुली, ये सारे कोर्सेज है वो उसकी डिटेल आ जाएगी। तो हमें CLS खोजना है तो आप यहाँ पर CLS हम खोजते हैं। अब ये कोर्स आ गया, इसके ऊपर जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो पूरा डिटेल आ जाएगा, सर्टिफिकेट इन लाइब्रेरी एंड इन्फॉर्मेशन साइंस। ये सर्टिफिकेट जो कोर्स है राजस्थान में जो थर्ड ग्रेड लाइब्रेरी में भर्ती होती है उसमें ये वैलिड है, आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और ये सर्टिफिकेट कोर्स है तो लाइब्रेरी के अंदर सर्टिफिकेट कोर्स होता है, इसके बाद डिप्लोमा कोर्स जो एक साल का होता है, ये सर्टिफिकेट 6 महीने का होता है, उसके बाद बैचलर डिग्री जो ग्रेजुएशन के बाद होती है एक साल की होती है, और बैचलर डिग्री बिलिस के बाद एमलिस जो एक साल की होती है, इस तरीके से कोर्सेज होते हैं। आगे PhD वगैरह हायर स्टडीज के लिए अलग अलग कोर्सेज होते हैं। तो CLS में हम बात करें तो इसमें कुल कितने पेपर है वो सारा हम डिटेल ध्यान रखेंगे। ये 6 महीने का कोर्स है और इसका जो मीडियम है इंग्लिश में यानी कि जो किताबें आपको मिलेगी वो इंग्लिश में ही मिलेगी। हालांकि आप जो आंसर है वो अगर कोई हिंदी का विद्यार्थी है हिंदी मीडियम में लिख सकता है तो वो पढ़ेगा कहाँ से, इसके लिए भी हम बात करेंगे। अब इसमें ये दिस प्रोग्राम इज़ मेन टू सेंसिटिव लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन प्रोफेशनल एट ग्रेस रूट लेवल। इट्स गिव्स अपॉर्चुनिटी टू दोज हु आर ऑलरेडी वर्किंग लाइब्रेरीज बट हैविंग एनी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशंस। द सर्टिफिकेट इन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस कंपेयर्स ऑफ 4 कोर्सेज। कहने का मतलब ये जो एक बेसिक या आधारभूत जानकारी के लिए कोर्स है और इसमें 4 पेपर होते हैं। आउट ऑफ 4 कोर्सेज 3 कोर्सेज हैव बोथ प्रैक्टिकल्स एंड थ्योरिकल, और 1 कोर्स डील्स विथ थ्योरिकल एस्पेक्ट्स, यानी 3 में प्रैक्टिकल होते हैं 1 में थ्योरिटिकल होता है। तो इसके लिए कम से कम आप 12वीं पास होने चाहिए, और इसकी जो फीस है वो 3,000 रुपये फीस है, और रजिस्ट्रेशन किसी भी कोर्स के लिए पहली बार एडमिशन लेते हैं तो रजिस्ट्रेशन फीस है वो आपके 300 रुपये, तो 3,000 और प्लस 300 यानी 3,300 रुपये इसकी फ़ीस लगेगी। आगे हम इसमें जो पहला जो पेपर होता है लाइब्रेरीज एंड इंट्रोडक्शन यानी पुस्तकालय इसका परिचय, दूसरा डॉक्यूमेंट प्रोसेसिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन, तीसरा इंफॉर्मेशन सोर्स एंड लाइब्रेरी सर्विस यानी सूचना सेवा और पुस्तकालय, सूचना स्रोत और पुस्तकालय सेवा, अगला है ICT इन लाइब्रेरीज, और तो ये 4 पेपर होते हैं। और आगे हम बात करेंगे कि यदि आप कोई हिंदी का विद्यार्थी है या इग्नू का ही विद्यार्थी है वो PDF चीज़ें देखना चाहता है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा। आपको ये ई ज्ञान कोर्स पोर्टल है वहाँ पर आपको जाना पड़ेगा। ई ज्ञान कोर्स से आप इसके जो सारे जो कोर्सेज हैं उसकी जो किताबें हैं वो PDF है या YouTube के वीडियो है सारे देख सकते हैं। तो इसमें आप जाएंगे तो सेल्फ लर्निंग मटेरियल पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप जैसे ये स्कूल ऑफ सोशल साइंस का ये है तो ये कौन से स्ट्रीम में, तो ये सोशल साइंस स्ट्रीम है, तो इसमें आप ये लेवल्स पे जाएंगे तो इस तरह से धीरे धीरे आगे खोलते जाएंगे। अब ये सर्टिफिकेट कोर्स है इस पर जाएंगे, इसमें आप देखेंगे ये सबसे पहला सर्टिफिकेट एंड एप्लीकेशन इस तरीके से ये आपके ये जो 4 पेपर है इसमें दे रखे हैं। जैसे पहला है ये आप खोलिए, इस तरह से ये आप इसमें खोलकर देख सकते हैं। हम थोड़ा बैक चलते हैं, ये सर्टिफिकेट प्रोग्राम्स लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन इसमें आप देखेंगे ये 4 पेपर दे रखे हैं और पीछे प्रोग्राम गाइड भी दे रखी है। ये तो सारा आपके यहाँ पर ये इंग्लिश में है, ये सारे इंग्लिश में है। यदि आप हिंदी में अगर ये देखना चाहते हैं तो आपको एक यूनिवर्सिटी में आपको बताऊँगा VMOU जहाँ से आप इसकी जो सारे जो
किताबें हैं, ये सैम सील्स की भी आप पढ़ सकते हैं। आपको प्रोग्राम में जाना पड़ेगा, डीलिस की किताबें, DLIS की, वो आपको वहाँ से यहाँ से देख सकते हैं और आप पढ़ सकते हैं। ये डिप्लोमा इन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, ये जो किताबें हैं ये सेम टू सेम है। इसमें 6 पेपर होते हैं, आपके 4 है, जैसे ये किताबें आप पढ़ सकते हैं, बिलिस की किताबें आप पढ़ सकते हैं। तो और दूसरा यूनिवर्सिटी आपको मैं बताऊंगा, उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी, उसकी भी बिलिस की किताबें हैं, वो आप जो सिलेबस से मिलती जुलती पढ़ सकते हैं, काफ़ी सारा मैटर है। और दूसरा हिंदी इंग्लिश को लेकर भी ज़्यादा दिक्कत नहीं है, लेकिन कुछ विद्यार्थी जो है उनको थोड़ा प्रॉब्लम्स होती है, जिनकी इंग्लिश थोड़ी सी वीक है, तो वैसे कोई दिक्कत नहीं है। और फिलहाल जो सीरीज के पेपर हो रहे वो ऑब्जेक्टिव टाइप ओमर सीट के, तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये आपका ये अच्छा कोर्स है, अभी एडमिशन चालू है, 30 जुलाई तक आप इसमें प्रवेश ले सकते हैं। तो कुल मिलाकर आज हमने जो सीरीज कोर्स होता है इग्नू के अंदर, उसके बारे में बात की। और इस तरह से जैसे भी कोई सूचना होगी तो उसका मैं वीडियो लेकर आऊँगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन ऑल पर क्लिक कर दें। जैसे ही मैं इस तरह का महत्वपूर्ण वीडियो बनाऊंगा उसका नोटिस आपको मिल जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।